अब हम पढ़ने लगे हैं नेजल सेप्टम, मतलब नेजल सेप्टम जो नाक की सेपरेशन करता है दो पार्ट्स में, ठीक है, दो नेजल कैविटी को दो हाफ्स में डिवाइड कर देता है, ठीक। ये ना म्यूकस मेम्ब्रेन, हर तरफ से ना म्यूकस मेम्ब्रेन पे कवर होती है, इसके बोनी पार्ट्स होते हैं और इसके वो वाले कार्टिलेजनस पार्ट होते हैं। सबसे पहले बोनी पार्ट्स की बात करते हैं। ये हमारे पास पीछे लगी हुई है वूमर, ये इसकी मेन बोन है, ठीक है, वूमर मेन बोन है। इसके अलावा ऊपर है आगे ये एथमोइड, ये सारी हमारे पास एथमोइड है। एथमोइड की दो प्लेट्स होती हैं, ये परपेंडिकुलर प्लेट है, ये हमारे पास इसकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। इसकी जो परपेंडिकुलर प्लेट है ना, ये हमारी नेजल सेप्टा में आती है। इसके अलावा ये तो दो मेन बोन्स होंगे ना, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एंड वूमर, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमोइड एंड द वूमर। इसके अलावा और भी कंट्रीब्यूशन आती है। ये हमारे पास ऊपर फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन का नेजल जो स्पाइन है ना वो भी आता है। इसके अलावा नेजल बोन आती है। ये नीचे हमारे पास पैलेटाइन बोन, ये हमारे पास मैगजीला, मैगजीला का पैलेटिन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास मैगजीला का पैलेटिन प्रोसेस है। ये हमारे पास हार्ड पैलेट है, जो कि मैगजीला के पैलेटिन प्रोसेस से बनी हुई है। इसके बाद ये कोलमुला है, इसकी बोनी प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गया। सबसे पहले वूमर, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड, इसके बाद नेजल बोन, नेजल स्पाइन ऑफ द फ्रंटल बोन, ठीक है, यही है। इसके अलावा कार्टिलेजनस पार्ट की बात करें तो सेप्टल कार्टिलेज होता है, और इसके अलावा हमारे पास सेप्टल कार्टिलेज होता है और इन्फीरियर नेजल का सेप्टल प्रोसेस होते हैं। ये हमारा सेप्टल कार्टिलेज है जो उसको पार्टीशन कर रहा है। इसके अलावा ये जो हमारे पास है ना, ये इन्फीरियर कार्टिलेज का लेटरल प्रोसेस है। लेटरल साइड पे आ रहे हैं ना, लेटरल साइड पे आ रहे हैं, इसलिए लेटरल प्रोसेस ऑफ द इन्फीरियर। इसके बाद हम बात करते हैं कार्टिकुलर पार्ट या लोअर एंड। ये जो हमारा लोअर एंड है ना, ये फिब्रोफैटी टिश्यू होता है, और इसके ऊपर ये इसको हम कहते हैं कार्टिकुलर पार्ट या लोअर एंड। इसके ऊपर फिब्रोफैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है, और इसको कवर किया होता है स्किन में। अब जो सेप्टा है ना, उसकी जो बिल्कुल लोअर मार्जिन, उसको हम कहते हैं, ये इस सारे को हम कहते हैं कोलमेला, ठीक है, लोअर मार्जिन ऑफ द सेप्टा को हम कहते हैं कोलमेला। अब ये जो नेजल सेप्टम है ना, बहुत कम होता है कि मीडियम प्लेन में होता है, ये डिफ्लेक्ट हुआ होता है, किसी भी साइड पे हुआ होता है। अब इसकी डिफ्लेक्शन क्यों हो जाती है, कि जो हम ये जो सारे पार्ट्स बना रहे हैं ना, अगर इनमें से किसी की ओवर ग्रोथ हो गई है तो फिर वो मीडियम प्लेन में नहीं रहता, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो सेप्टा है, इसके दो फोर बॉर्डर्स होते हैं और टू सब्सिस होती हैं। ये पोस्टीरियर बॉर्डर है हमारे पास, ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, और ये हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है। दो सर्फिस होती हैं, एक राइट साइड की फिर सर्फिस होगी और एक लेफ्ट साइड की सर्फिस होगी, ये एक लेफ्ट साइड की और इससे दूसरी साइड पर लेफ्ट साइड की, मतलब अपोजिट साइड की होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आर्टीरियल सप्लाई की। इसकी आर्टीरियल सप्लाई के इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक लाइन इस तरह सीधे लगाते हैं और एक लाइन हम इस तरह सीधे लगाते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। तो ये चार हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहले इंटीरियर सुपीरियर, ठीक है, इंटीरियर सुपीरियर, इंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इन्फीरियर। ये जो इंटीरियर सुपीरियर है ना, इसको दो आर्टरीज, ये हमारे यहाँ पे एथमॉइड बोन होती है ना, इसलिए उसी के नाम से होंगी इंटीरियर एथमॉइड और पोस्टीरियर एथमॉइड। ये जो इंटीरियर इन्फीरियर है, यहाँ पे ये हमारे पास ये एल्वियोलाई हैं, ये दांत और ये होंठ की ऊपर वाली जगह है, तो होंठ को हम लेबियल कहते हैं। तो ऊपर वाला होंठ है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं सुपीरियर लेबियल इसको सप्लाई करेगी एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट को। इसके बाद पोस्टीरियो सुपीरियर बात की हम बात करें, तो ये हमारे पास पीछे क्या पड़ी होती है, स्फिनॉइड पड़ी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्टरी होती है, स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी होती है, और ये मेन आर्टरी होती है स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी। इसकी अगर ये इसमें डैमेज हो जाए ना, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस, ठीक है। इसके अलावा जो पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट को हम सप्लाई करते हैं ग्रेटर पैलेटाइन, ये पैलेट है ना नीचे, तो पैलेटिन प्रोसेस ऑफ द मैगजीला, तो उसी नाम से ग्रेटर पैलेटाइन इसको सप्लाई करती है।
इसके अलावा हम बात करें तो ये जो चारों नर्व्स है ना, इंटीरियर सुपीरियर लिप, इंटीरियर इथमॉइड, सुपीरियर लेबियल, ये ऊपर से आ रही है इंटीरियर इथमॉइड, नीचे से आ रही है सुपीरियर लेबियल, ग्रेटर पैलेटाइन, और इधर से आ रही है स्पिनो पैलेटाइन। तो सुपीरियर इथमॉइड को निकाल के सब ने ना एनास्टमोस कर लेना है, और इस एनास्टमोस को हम कहते हैं कैसल बैच प्लेक्सिस, और इस जिस एरिया पे ये प्लेक्सिस बनता है इसको हम कहते हैं लिटल्स एरिया। यहाँ पे डैमेज होता है, यहाँ पे डैमेज होता है, और इसकी वजह से स्पिनो पैलेटाइन डैमेज हो जाती है और ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं एपिस्टैक्सिस। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो इंटीरियर वाले पार्ट जो होते हैं ना वो फेरियल मेन में ड्रेन कर जाते हैं, और पोस्टीरियर वाले चले जाते हैं टेरोगॉइड वेनस प्लेक्सिस में। ठीक है, स्पिनो पैलेटाइन जो पोस्टीरियर वाले होते हैं ना वो स्पिनो पैलेटाइन वेन के जरिए टेरोगॉइड वेनस प्लेक्सिस में चले जाते हैं। अब ये जो सुपीरियर लेबियल थी ना, ये फेरियल आर्टरी की ब्रांच होती है, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं इसके नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई के लिए भी हमने बिल्कुल वैसा ही काम करना है कि इसको ना, नर्व सप्लाई इसकी दो तरह की होती है, जनरल सेंसरी नर्व्स होती हैं और इसके अलावा स्पेशल सेंसरी नर्व्स होती हैं। स्पेशल सेंसरी नर्व्स को हम ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी कहते हैं, और जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं ना वो वही होती हैं जो स्मेल के लिए होती है, और ये सिर्फ अपर वन थर्ड में होती हैं। ये जो है ना ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं और बल्ब्स हैं, तो ये जो ऑल्फैक्टरी सेंसेशन है ना अपर वन थर्ड ऑफ द नेजल सेप्टा के लिए होती है। ठीक है, अब इसको भी हम, इसकी नर्व सप्लाई के लिए भी हमने इसको ना एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है इस तरह, और एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। इससे हम बन जाएगा इंटीरियर सुपीरियर पार्ट, इंटीरियर इन्फीरियर पार्ट, पोस्टीरियर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट। आगे वाले को हमने इंटीरियर इथमॉइड नर्व से सप्लाई कर देना है। इंटीरियर इन्फीरियर की बात करें तो इंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व होती है, ये वाली नर्व, ये इस तरह याद रखना। एल्वियोलाई दांत को कहते हैं, दांत वाले एरिया आर्ट से जो बनती है वो एल्वियोला बन जाती है। सुपीरियर ऊपर वाले दांतों को सप्लाई कर रहा है, और इंटीरियर वाला पोर्शन इसलिए इंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। ठीक है, इसके बाद पोस्टीरियर इन्फीरियर की, पोस्टीरियर सुपीरियर की बात करें तो यहाँ पे ना ब्रांच आती है जैसे मीडियल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल सेप्टम। ये हम जो सेप्टम होते हैं तो मीडियल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी होती है ना, उससे याद रख के ये मीडियल होगी और पोस्टीरियर वाला पोर्शन है और पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन है, इसलिए ये मीडियल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांच होती है। ठीक है, ये जो पोस्टीरियर नेजल ब्रांच होती है ना ये टेरोगॉइड पैलेटाइन गैंग्लियन से आती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट देखें तो ये हमारे पास एक नर्व आ रही है नेजो पैलेटाइन। ठीक है, ये इसको सप्लाई करती है, ये पैलेट है ना नीचे, तो इसे याद रखना है कि नेजो पैलेटाइन, ये इसकी मेन नर्व होती है। इसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो इंटीरियर हाफ से सबमैंडिबुलर नोड्स में चले जाते हैं, पोस्टीरियर हाफ से रेट्रोफेरिंजियल और डीप सर्वाइकल नोड्स में चले जाते हैं। क्लिनिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि एपिस्टैक्सिस होता है, लिटल एरिया में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ना अगर जो हमारा सेप्टा है, मैंने कहा था ये डेविएट कर जाता है, अगर ये डेविएशन हो जाए ना उसकी वजह से ना कॉमन कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस या साइनाइटिस ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब डिजीज की कॉजेज बन जाते हैं।